हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज 248। आज मुझे आंसर राइटिंग आपण मानक देखिए। तो फास्ट क्वेश्चन थी कि आम भारत मानवाधिकार सुरक्षापाई कि प्रकार पदक्षेप निजाइए ता संक्षेप बुझाए लेख। तो फास्ट मुझे इंट्रोडक्शन दे कि लिखिली से आउ गए जिन सब लिखिपारी था कि प्रथम आम मानवाधिकार जो फास्ट जेनेरेसन राइट्स, सेकेंड जेनेरेसन राइट, थर्ड जेनरेशन राइट्स, मैंने प्रथम पीढ़ी अधिकार लिखि था कि आद्य भाग में व्यक्ति को जपरी अधिक सामाजिक और राजनैतिक अधिकार मिले से मुख्यतः उद्यम कर मनुष्य स्वतंत्रता रे सरकार जपरी हस्तक्षेप न कैसे दृष्टि दि जाइला। द्वितीय पीढ़ी अधिकार एटा भी लिखा जाता कि परवर्त समय जना पड़ा जे अर्थनैतिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार न मिलवा पर्यंत सामाजिक और राजनैतिक स्वाधीनता मिलवा अर्थहीन से अधिकार गुड़िक प्रति सरकार सकारात्मक दृष्टि देवार आवश्यकता समस्त उपलब्धि। तृतीय पीढ़ी लिखि था कि विश्व विंश शताब्दीर शेष भाग में मानवाधिकार कार्य परिसर आहुरी बढ़ीगला। नुआ नुआ अधिकार मान ए अंतर्भुक्त होला तन्मध्य आत्मनिर्णय अधिकार, अन्नग्रसर व्यक्ति मानक स्वतंत्र सुरक्षा अधिकार और देशर संपद उपरे लोक मानकर सार्वभौम अधिकार। ये तीन टा पीढ़ीर अधिकार इनक्लूड करपर आउ गए लिखिपार कि आमर न्यायिक व्यवस्था संविधान धारा 21 परिसर को अधिक व्यापक करने सहित आउ केते गुड़िया अधिकार जोग करगुड़िकला व्यक्तिर मर्यादार सह बचार अधिकार, स्वास्थ्यगत अधिकार, प्रदूषण मुक्त वायु सेवन अधिकार इत्यादि। मानवाधिकार सुरक्षा पाई जनस्वार्थ मामला जोटा आम कौन PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक ढाल रूप में कम कर सब जिन मुझे लिखिपारी था। एंड लास्ट कनक्लूजन आउ गोटे जिनस भी मतलब लिखा कि भारत 1993 मसीहा सेप्टेम्बर मस 29 तारीख दिन जातीय मानवाधिकार कमिशन गठित होता। आम देश में मानवाधिकार संपर्कित सचेतनता वृद्धि करिबा और मानवाधिकार को अधिक सुरक्षा देवा यार लक्ष्य। एति लेखि मु मोर कनक्लूजन भी शेष कर पार थांदे। तो ये तो जगह नहीं तो जेमती लिखी मुझे देखे ये।